हेलो एवरीवन, आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। व्यूअर्स, मेरा नाम है ओम सुमन सिन्हा और मैं अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करते रहता हूँ फॉर बीएससी स्टूडेंट्स, क्लास 12 से अंडर स्टूडेंट्स, क्लास 10th, 9th, 10th और जूनियर लेवल का भी। तो माय नेम इज़ ओम सुमन सिन्हा एंड आई हैव डन माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन मैथमेटिक्स एंड आई पास बीएड आल्सो। तो आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक पिछले क्लास में और पिछले वीडियो में हम लोग जो टॉपिक किए थे वो टॉपिक है डिस्टेंस फार्मूला, दैट इज एक्सरसाइज 28C। ठीक है, प्लेन चैप्टर कर रहे थे हम लोग और आज भी हम लोग प्लेन चैप्टर ही करेंगे। ठीक है, और उसमें प्लेन में हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पैरेलल टू ए गिवन प्लेन, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इक्वेशन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पैरेलल टू ए गिवन प्लेन। ओके, और इसका रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, होप आप लोग विजुअलाइज कर पा रहे हैं। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पैरेलल टू ए गिवन प्लेन। ठीक है, तो अगर जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं तो वेक्टर फॉर्म तो एनी प्लेन पैरेलल टू क्या होगा, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वन। एनी प्लेन पैरेलल टू दिस प्लेन उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू क्यू टू, ये हो जाएगा। ठीक है, वेयर द कॉन्स्टेंट क्यू टू इज डिटरमाइंड बाय द गिवन कंडीशन। और हम लोग को ये जो Q2 है ये कंडीशन दिया हुआ रहेगा, उस कंडीशन से हम लोग ये Q2 फाइंड कर सकेंगे। ठीक है, तो मूव करते हैं अनदर फॉर्म पे। दिस इज द वेक्टर फॉर्म, अब कार्टेशियन फॉर्म पे, ऑब्वियसली कार्टेशियन फॉर्म। तो अगर मुझे एक प्लेन दिया हुआ है AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इस प्लेन का पैरेलल प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसका पैरेलल प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा AX प्लस BY प्लस CZ प्लस K इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यही दोनों है और इस दोनों फॉर्मूला के रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज भी है, वो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज है 28D। तो हम अभी वो एक्सरसाइज करेंगे 28D। ठीक है, और डिस्टेंस, और एक चीज़ है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन, वो तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं डिस्टेंस के लिए। ठीक है, टू पैरेलल प्लेन पहले हम लोग एक यहाँ पर प्लेन लेंगे, उसके बाद यहाँ पर एक प्लेन लेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे P, X1, Y1, Z1 और ये प्लेन इसमें लाई, P पॉइंट इसमें लाई कराएंगे और इसका इससे डिस्टेंस ही तो ये प्लेन दोनों का डिस्टेंस है। ये इससे रिलेटेड मैथ मुझे हमें हुआ था। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 28D। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सो दैट द प्लेन आर पैरेलल, क्वेश्चन नंबर वन, एक्सरसाइज 28D, क्वेश्चन नंबर वन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है, सो दैट द प्लेन 2x - y + 6z इक्वल टू 5, दिस इज द फर्स्ट प्लेन। और एक प्लेन दिया हुआ है 5x - 2.5y 5x
माइनस 2.5y प्लस 15z प्लस 15z इजिकल टू 12 इजिकल टू 12। ये दोनों प्लेन का इक्वेशन दिया है, हम लोग को शो करने बोला है कि ये दोनों प्लेन पैरेलल है, ये शो करिए। तो अगर मेरा दो प्लेन पैरेलल होगा तो उसका जो डायरेक्शन रेशियो है, और डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब अगर हम ऐसा करेंगे, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएगा, व्यूअर्स वन मिनट, गिव मी जस्ट वन मिनट। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मुझे हमने फाइंड करने बोला है कि फाइंड द इक्वेशन, हम लोग कर रहे थे 28D, हम मुझे फाइंड करने बोला है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये पॉइंट से पास होगा, पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस वेक्टर। तो इसके लिए हम इसको कार्टेशियन फॉर्म में भी कन्वर्ट करके कर सकते हैं, और कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट ना करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग ये कार्टेशियन में कन्वर्ट ना करके करें तो ये कैसा होगा, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, तो इस ये इक्वेशन दिया है प्लेन का, जिस Q1 हम लोग उसको ले लें, तो इसका पैरेलल प्लेन का इक्वेशन क्या आ जाएगा, इसका पैरेलल प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा आर वेक्टर डॉट 2y माइनस 3j प्लस 5k प्लस हम लोग ले रहे हैं दिस इज Q1, तो दिस इज Q2, दैट्स इक्वल टू 0, ये हम ले रहे हैं, ठीक है। अब सिंस ये प्लेन, दिस प्लेन इज पासेस थ्रू दिस पॉइंट, तो हम लोग आर का जगह में क्या ले लेंगे, ये पॉइंट ले लेंगे। तो आर का जगह में हमने ये पॉइंट बैठा दिए, तो दिस इज 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप डॉट 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप प्लस Q2, दैट्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 6 माइनस 12 माइनस 5, ठीक है, दिस इज 6, दिस इज माइनस 12, दिस इज माइनस 5 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0। अगर हम लोग ये कैलकुलेशन करते हैं तो Q2 का वैल्यू क्या आ रहा है, Q2 इज इक्वल टू कैलकुलेशन करते हैं, दिस 11, Q2 का वैल्यू आ रहा है मेरा 11, ठीक है। तो द रिक्वायर्ड प्लेन क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड प्लेन क्या आ जाएगा, आर वेक्टर डॉट 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप प्लस 11, दैट्स इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन। अभी हम लोग मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ABC एंड पैरेलल टू द प्लेन। तो ये भी सेम ही है, हम लोग जस्ट इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट पी ए बी सी पॉइंट से ये पास हो रहा है, और ये पैरेलल है कौन सा प्लेन से, कौन सा प्लेन के साथ पैरेलल है, आर वेक्टर डॉट आई प्लस जे प्लस के इक्वल टू, इसके साथ भी ये पैरेलल है, तो इसके साथ पैरेलल प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, हम लोग ले रहे हैं इसके साथ पैरेलल प्लेन का इक्वेशन आर डॉट आई प्लस जे प्लस
के इज इक्वल टू हम लोग ले रहे हैं जेड, दैट्स इक्वल्स टू के, और हम लोग ये अगेन क्यू टू ले रहे हैं, ठीक है। अब ये प्लेन किससे पास पास है, पी ए बी सी से, इसका पोजिशन वेक्टर क्या हो जाएगा, इसका पोजिशन वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये हो गया इसका पोजिशन वेक्टर। तो हम यहाँ पर बैठा दिए, सिंस ये प्लेन इससे पास है, तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू क्यू टू, तो यह जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्यू टू। क्यू टू का वैल्यू क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी, तो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड प्लेन क्या आ गया, आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब हम लोग मूव करते हैं और एक क्वेश्चन पे, क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 1, 1 पैरेलल टू द, ये सिमिलर है, आप ये खुद ट्राई कीजिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू द प्लेन। तो ये कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कार्टेशियन फॉर्म का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फाइव फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट पी 1, 4, -2 एंड व्हिच इज पैरेलल टू द प्लेन। तो इसका हम लोग पोजिशन वेक्टर निकाल रहे हैं, पोजिशन वेक्टर अभी ये जरूरत नहीं है इसमें कार्टेशियन में, और ये पैरेलल टू द प्लेन बोला है, पैरेलल टू द प्लेन 2x - y + 3z +7 = 0। तो हम लोग एक प्लेन का इक्वेशन लेंगे जो इसके साथ पैरेलल है, ठीक है। तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, द प्लेन पैरेलल टू 1 क्या हो जाएगा, 2x - y + 3z + k = 0 ये हो जाएगा। अब ये पैरेलल प्लेन इस पॉइंट से पास आउट पास है, तो हम लोग इसके जगह में क्या बैठा देंगे, 2 × 1 - 4 + 3 × -2 + k दैट्स इक्वल टू 0। जैसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, दिस इज 2, ये क्या आ जाएगा -4, दिस इज -6 प्लस के इज इक्वल टू 0 दैट्स इक्वल्स टू, हम लोग अभी अगर ये कैलकुलेशन करते हैं तो इसका वैल्यू आ जाएगा k इक्वल्स टू 8, के इक्वल्स टू 8 आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड प्लेन क्या आ जाएगा, 2x - y + 3z + 8 = 0 दिस इज द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू ऑरिजिन एंड पैरेलल टू द प्लेन। तो ऑरिजिन ये भी सेम ही है क्वेश्चन नंबर 6, ये ऑरिजिन से पास हो रहा है, ऑरिजिन का क्या है 0, 0, 0, ठीक है। ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट मेरा है 0, 0, 0, तो ये 0, 0, 0 हम लोग यहाँ से बैठा दें, अगर वो 0, 0, 0 बैठा दें तो हम लोग फिर से गिव मी 1 मिनट, तो इसका ये ओरिजिन से पास हो जाएगा 0, 0, 0 से, तो ओरिजिन से अगर ये पास होगा 0, 0, 0 से अगर ये पास होगा तो ये क्वेश्चन नंबर 6, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हिच पासिंग थ्रू ओरिजिन है वो, ठीक है, पासिंग थ्रू ओरिजिन और पैरेलल टू द प्लेन,
प्लेन का एक इक्वेशन दे दिया, प्लेन का इक्वेशन हम लोग यहाँ से लिख रहे हैं 5x-3y + 7z + 13 = 0, ये प्लेन का इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोग इस प्लेन का एक पैरेलल प्लेन ले लेंगे जो जिसका इक्वेशन है 5x-3y + 7z + k = 0। इस प्लेन को इस ओरिजिन से पास करा देंगे, तो अगर पास कराएंगे तो हम इसका वैल्यू क्या, k का वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो वही वैल्यू यहाँ पर बैठा देंगे तो वो इक्वेशन आ जाएगा 5x-3y + 7z = 0। तो दिस विल बी माई रिकॉर्ड क्वेश्चन, हम ये सॉल्व भी कर दिए। ठीक है, अब चल जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू -1, 0, 7 एंड पैरेलल टू द प्लेन। ये भी सेम है, आप ये खुद ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू द प्लेन व्हिच आर एट ए यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। ये एक दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग कर रहे हैं, एक्सरसाइज 28D, आप लोग देख पा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू द प्लेन। प्लेन का इक्वेशन क्या है, x-2y + 2z = 3। इसका पैरेलल प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x-2y + 2z = k। हम ये ले लिए इसका पैरेलल प्लेन का इक्वेशन। अब ये जो प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन k को हम इधर ले लेते हैं, k = 0। तो ये जो प्लेन है, ये प्लेन एक पॉइंट दिया हुआ है, द पॉइंट इज 1, 2, 3। ये प्लेन इस पॉइंट से यूनिट डिस्टेंस में है। ठीक है, तो द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन 1 एंड द पॉइंट P, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन 1 एंड द पॉइंट P एंड द पॉइंट P 1, 2, 3 इज क्या हो जाएगा, क्या होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला, x का जगह में क्या हो जाएगा, 1-2×2+2×3+k √√1² + -2² + 2² यही तो यूनिट डिस्टेंस बोला है। तो दिस डिस्टेंस = 1। तो यहां से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे क्या आएगा, दिस इज 6, 7, 7-4, 3+k ओके डिवाइडेड बाय √√, ये क्या आ जाएगा, दिस इज 4+4 दैट इज √9 दैट इज 3, दिस ये आएगा 3 दैट्स इक्वल टू 1। तो यहां से हम लोग मिलेगा mod of 3+k = 3, ये मिल गया। अब हम लोग यहां पर कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन अगर हम लोग यहां से करेंगे तो कैलकुलेशन में हम लोग को क्या मिलेगा, मॉड को हम उठा रहे हैं तो मॉड उठा के ये प्लस माइनस हो जाएगा, +-3+k = 3। प्लस वैल्यू हम लोग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर प्लस वैल्यू हम लोग ले लिए तो +3+k = 3 दैट्स नॉट पॉसिबल, तो हम लोग माइनस वैल्यू लेंगे, तो -3-k = 3। तो यहां से k = क्या आ जाएगा, k = -6। ठीक है ना, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं k आ गया मेरा -6, और प्लस वैल्यू भी हम लोग लेंगे तो यहां से दो वैल्यू, k का वैल्यू दो वैल्यू आएगा, जैसे -6 और अगर प्लस वैल्यू लेते तो 3+k = 3, तो 3 कट जाएगा, यहां से k = क्या आ जाएगा, 0। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स, इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स
एक्स माइनस टू वाई प्लस टू जेड माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, दिस इज द इक्वेशन इन द फर्स्ट प्लेन, और एक हो जाएगा एक्स माइनस टू वाई प्लस टू जेड इज इक्वल टू जीरो, जहां पर के का वैल्यू जीरो है। तो ये दोनों मेरा आ जाएगा आंसर, होप आप लोग देख पा रहे हैं। अब हम लोग मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन दिस, ये मैथ हम लोग पिछले एक्सरसाइज में किए हैं। अगर आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व देखना चाहते हैं तो मेरा पिछला वीडियो चेक कीजिएगा। दो प्लेन दिया हुआ है, प्लेन का इक्वेशन हम लोग लिख रहे हैं एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड प्लस सेवन इक्वल टू जीरो, ये है, और एक दिया हुआ है टू एक्स प्लस फोर वाई प्लस सिक्स जेड प्लस सेवन इक्वल टू जीरो, ये दोनों प्लेन दिया हुआ है, ठीक है। ये दोनों प्लेन का बिटवीन दिस टू प्लेन वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस, तो ये दोनों प्लेन का, ये दोनों प्लेन का बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये दोनों प्लेन का बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला जैसे हम लोग निकालते हैं, एक पी पॉइंट ले लेंगे इसमें, वहां से पी का वैल्यू हम लोग कॉम्प्यूट करेंगे, पी का वैल्यू कॉम्प्यूट करने के बाद उसमें सेकेंड इक्वेशन में बैठा देंगे तो एक ये मेरा डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं एक्सरसाइज 28 सी में, ठीक है, सॉरी 28 डी तो हम लोग का हो गया, 28 डी हो गया, 28 ई में, तो 28 ई में हम लोग का क्या दिया हुआ है, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, द वेक्टर इक्वेशन, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, उसका इक्वेशन क्या है, जो दो प्लेन से जा रहा है वो आर वेक्टर डॉट एन वन वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वन, और आर वेक्टर डॉट एन टू वेक्टर इज इक्वल टू क्यू टू, ठीक है। उसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, आर वेक्टर डॉट एन वन वेक्टर प्लस लैम्डा एन टू, लैम्डा एन टू वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू वन प्लस लैम्डा क्यू टू, ये आ जाएगा, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट। और एक इक्वेशन क्या आ जाएगा, द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड प्लस डी वन इक्वल टू जीरो, और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड प्लस डी टू इक्वल टू जीरो। एक प्लेन मुझे क्या, मुझे इक्वेशन निकालना है जो ये दोनों का पासिंग थ्रू है, ओके, इक्वेशन क्या आ जाएगा, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड प्लस डी वन इक्वल टू के प्लस के इन टू ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड प्लस डी टू इक्वल टू जीरो, ये आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे, फिगर से क्या आएगा, ये फिगर आ जाएगा, ऐसा ये फिगर आ जाएगा, दिस इज द फिगर, दिस इज द फर्स्ट प्लेन। अगर ये हम लोग फर्स्ट प्लेन ले, फर्स्ट, दिस इज द सेकेंड प्लेन, दिस इज द फर्स्ट प्लेन, दिस इज द सेकेंड प्लेन, और दिस इज द थर्ड प्लेन, ये थर्ड प्लेन हो गया, ठीक है। तो
प्रूफ दिया हुआ है, प्रूफ बुक में दिया हुआ है, आप प्रूफ बुक से देख लीजिए, ठीक है, आपको समझ में आएगा जरूर। अब हम लोग मूव करते हैं एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 28E। 28E में क्या दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट। क्वेश्चन नंबर वन एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट किए हैं 28E। 28E एक्सरसाइज 28E क्वेश्चन नंबर वन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। प्लेन का लाइन क्या, इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू सिक्स एंड टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस फोर जेड प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। और ये पासिंग थ्रू है 1, 1, 1। तो हम लोग क्या लेंगे, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द टू गिवन प्लेन। क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस सिक्स प्लस के इंटू टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस फोर जेड प्लस फाइव दैट्स इक्वल टू जीरो। अब ये प्लेन ही तो 1, 1, 1 से पास है, तो हम लोग यहाँ पर x को z की जगह में 1, 1 बैठा देंगे। तो 1, 1 माइनस सिक्स प्लस के इंटू टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इक्वल टू माइनस थ्री प्लस के इंटू 14 इज इक्वल टू जीरो। के इज इक्वल टू 3/14, ठीक है। तो ही के का वैल्यू हम लोग यहां पर बैठा देंगे, तो हम लोग का वैल्यू मिलेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस सिक्स प्लस 3/14 टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस फोर जेड प्लस फाइव दैट्स इक्वल टू जीरो। 14 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस सिक्स प्लस 3 इंटू टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस फोर जेड प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। दिस इज 14x प्लस 6x दैट इज 20x, ठीक है। दिस 14x प्लस 9x दैट इज 23y। दिस 14z प्लस 12, 14 प्लस 12 मीन्स 26z। और इसका अगर हम और भी डिटेल्स कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा माइनस 69 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं दिस इज 20x प्लस 23y प्लस 26z इक्वल टू 69, ये आ जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं और एक क्वेश्चन पे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ये भी सेम ही है, यहाँ पर 1, 1 था, वहां पर ओरिजिन होगा ओ 0, 0, 0, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो ये हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 28E।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर टू नहीं, क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर टू हम लोग हिंट दे दिया आपको। क्वेश्चन नंबर थ्री, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। प्लेन का इंटरसेक्शन क्या है, 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0, दिस इज द फर्स्ट प्लेन। सेकेंड प्लेन क्या है, x प्लस y माइनस 2z प्लस 3 इक्वल टू 0, दिस